बजट देके कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज ने भी कुछ ऐसा ही सोचा होगा। वैसे किसी ने सही कहा है, बिजनेस करना ही बेस्ट ऑप्शन है। वैसे आप जानते हैं MSMEs का इंडिया के GDP पे बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपोर्टिंग द गुड्स। हाँ, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेन इश्यू कैपिटल होता है, राइट? आपके दुखती रग पे हाथ रख दिया, बट टेंशन नॉट। आज मेरे बकेट लिस्ट में ऐसी कंपनी है विच इज रिकग्नाइज फॉर इट्स MSMEs फाइनेंसिंग, पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। They have grown remarkably in their first quarter of the fiscal year 2024-25. Poonawala Fincorp Limited, जो पहले जाना जाता था Magma Fincorp के नाम से, एक Indian non-banking financial company है. Other than business loans, it also provides professional loans, personal loans, home loans, loans against property, pre-owned car loans and medical equipment loans. According to a research report by Anand Rathi on the Trade Movie app, ये कंपनी का एम है मार्केट प्रेजेंस को एक्सपैंड करना, और ये कैसे होगा? बाय स्केलिंग अप कंज्यूमर फाइनेंस सेक्टर, जिसका फोकस होगा मिडिल क्लास, आल्सो बाय टारगेटिंग द किराना स्टोर सेगमेंट, और एडिशनली कंपनी प्लान कर रही है पर्सनल लोन सेगमेंट को इम्प्रूव करना, एंड लास्ट पॉइंट बाय अट्रैक्टिंग हाई क्वालिटी क्लाइंट्स एंड एक्सपैंडिंग द यूज्ड कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग सेगमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर फाइनेंसेस। ये कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट 51% से year on year and 8% से quarter on quarter grow कर रहा है, with disbursements reaching rupees 74 billion. उनका quarter one FY25 का net profit approximately 45% से year on year बढ़ गया, to rupees 2.916 million. उनकी नई management strategy 33% compound annual growth target कर रही है in loans in FY24-26, focusing the widening of products and sustainability of growth. If you want to get the detailed information, check our description box. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.